नमस्कार, मैं उदयशंकर। न्यूज बाय स्कोप की खास पेशकश में आप सबों का स्वागत है। हम बात करेंगे बिहार में चल रहे तेज प्रताप और जगदानंद बाबू की तकरार पर। जगदानंद बाबू आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इन दोनों की तकरार किसी से छुपी नहीं हुई है। गाहे बगाहे इन दोनों की तकरार सामने आती रहती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। तेज प्रताप के बयानों से व्यथित जगदानंद बाबू लगभग 10 दिनों तक पार्टी दफ्तर नहीं आए और जब पार्टी दफ्तर आए तो उन्होंने तेज प्रताप यादव के चहेते छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष पर कार्रवाई कर दी। उन्होंने आकाश यादव को हटाकर वहां पर अपने गगन यादव को उन्होंने प्रदेश राजद का अध्यक्ष बना दिया, जिसके बाद तेज प्रताप का वहां पर नाराज होना स्वाभाविक था। तेज प्रताप नाराज हुए, मीडिया में बयान दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ट्वीट भी किया कि आखिर प्रवासी सलाहकार की सलाह पर प्रदेश अध्यक्ष पार्टी चला रहे हैं। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि संविधान का पालन नहीं किया गया है, संविधान का पालन प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद बाबू ने नहीं किया है। दिखाते हैं हम आपको किस तरह से उन्होंने ट्वीट किया कि प्रवासी सलाहकार से सलाह लेने में अध्यक्ष जी ये भूल गए कि पार्टी संविधान से चलता है और राजद का संविधान कहता है कि बिना नोटिस दिए आप पार्टी के किसी पदाधिकारी को पदमुक्त नहीं कर सकते। जो हुआ वो राजद के संविधान के खिलाफ है। तो हम आपको बता दें कि आकाश यादव को जगदानंद बाबू ने चलता कर दिया, जिसके बाद तेज प्रताप यादव नाराज हो उठे और उन्होंने ये ट्वीट किया। मीडिया में बयान आने के बाद और तेज प्रताप के इस ट्वीट के सामने आने के बाद जगदानंद बाबू मीडिया के सामने आए। जगदानंद सिंह ने क्या कुछ कहा मीडिया के सामने और उन्होंने संविधान का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है कि प्रदेश अध्यक्ष छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष को कब बदलना है, किसे हटाना है, किसे नियुक्त करना है, ये उनके क्षेत्राधिकार में है। क्या कहा उन्होंने सुनाते हैं हम आपको। संविधान की किस धारा में ये लिखा है? अब मैं आपको संविधान की धारा की बात कर रहा हूँ। इसको ये धारा 25 आप सुनते जाओ। हमारे पास संगठन होंगे युवा राजद माने मूल संगठन, छात्र राजद, महिला राजद, अन्य अनुसांगिक संगठन, ये क्या क्या होगा? किसान, मजदूर, पंचायती राज, सहकारिता, क्रीड़ा, सांस्कृतिक, शिक्षक, बुद्धिजीवी, अधिवक्ता, आवता, दस्तकार, बुनकर, अभिलेख संग्रह के साथ ही दलित, महादलित, अति पिछड़ा संख्या, अन्य प्रकोष्ठों का गठन। तो तेज प्रताप यादव की तकरार पर जगदानंद सिंह ने संविधान का हवाला दिया, लेकिन जब बार बार उनसे ये पूछा गया कि तेज प्रताप यादव ने जो ट्वीट किया है उस पर वो क्या कहेंगे, तो खुद को इस ट्वीट से अनजान बताते नजर आए। लेकिन उन्होंने इशारों इशारों में ये बात भी कह दी कि वो सिर्फ लालू को जानते हैं, लालू के सिवा किसी को नहीं जानते। अगर उनके अपने बेटे भी सामने होते हैं तो पार्टी उनके लिए सर्वोच्च होती है। क्या कुछ कहा उन्होंने सुनाते हैं हम आपको। आपका आपके फैसले से अग्रीड हो गए, आपके मैनेजमेंट को बोलेंगे, हमारा भी तो मैनेजमेंट है ना, बैठी दो प्रॉपर प्लीज। आप चाहते हैं कार्रवाई हो? मैं आपके किसी बात पे जवाब नहीं। आप चाहते हैं कार्रवाई हो? मैं किसी आपके जवाब नहीं, ये लोग वही पूछ लेंगे तो मैं जवाब दे दूंगा। आपके किसी पे जवाब नहीं, आप सवाल का जवाब क्यों नहीं लेंगे? क्यों आप सवाल का जवाब? कोई सवाल ही नहीं, कोई सवाल ही क्यों नहीं जवाब दे रहा हूँ? इसमें हम कुछ करना नहीं चाहते, इसलिए नहीं जवाब देना चाहते कि आप न्यूज सेक्टर पे तेज प्रताप यादव फोन पे बात करते हैं, सारी बात तो आप नहीं चाहते हैं, किस पर जवाब दे रहा। अब बोलिए आप लोग को और कुछ पूछना है? पार्टी मेरे लिए सर्वोच्च है और पार्टी के रास्ते में जो खड़ा होगा मैं उसे अपना नहीं मान सकता। इसके बाद भी अभी सवाल है, चुनाव लड़ा सवाल नहीं। देखिए अब यही पर संसदीय चीज नहीं है, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। इससे बड़ा जवाब हो सकता है कि मैं खड़ा होकर के यदि देश के इतिहास में कोई बाप अपने बेटे को चुनाव में खड़ा होने के बाद हराया हो तो जगदानंद जी का, इसलिए कि पार्टी मेरे लिए सब कुछ है। मैं पार्टी का एमएलए, मैं पार्टी का सांसद था, मेरा कार्यकर्ता खड़ा है, बेटा के चलते हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। मैं उसे अधर्म नहीं मानता हूं कि मैं उसको दंडित करूं। तो तेज प्रताप यादव के ऐतराज को दरकिनार करते हुए जगदानंद बाबू ने यह साफ कर दिया कि राजद का संविधान उन्हें यह अधिकार देता है कि छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष को वो अपनी मर्जी से बदल दें। और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी
प्रतिबद्धता पार्टी से है और पार्टी उनके लिए सर्वोच्च है। अब तेज प्रताप और जगदानंद सिंह की इस तकरार के बीच तेजस्वी यादव का बयान भी बड़ा मायने रखता है। जब पत्रकारों की तरफ से ये पूछा गया तेजस्वी यादव से कि इस तकरार पर वो क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब मैं हूं और जगदानंद सिंह है तो फिर सब कुछ ठीक है। क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, ये भी सुनाते हैं हम आपको। सबकी अलग अलग राय है, ठीक है। आप लोगों का सवाल जो है उससे हम इतना ही कहना चाहेंगे कि सब कुछ हम है तो ठीक कर ले, चिंता काहे ना आप लोग कर रहे हैं इतना, जब हम चिंतित ही नहीं है, जब हम हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष है सब कुछ ठीक हो जाएगा। जेडीयू ये जानना चाह रहा है कि एक प्रवासी नेता कौन है, कौन जानना चाह रहा है, नहीं जानना चाह रहा। जदयू को तो भाई जनता बाढ़ में त्राहिमाम कर रही है, वहाँ ध्यान दिए तो माइक उपाव वहाँ किया, कुछ इस पर कहना नहीं। लोग तो अपना काम करते रहते हैं, काम कर रहे हैं, लगातार लोगों को बीत जा रहे हैं और ऐसी कोई विवाद नजर आ नहीं रही है। तेजस्वी जी, लंबे समय तक अगर नाराजगी चलेगी तो काफी ये दिक्कत होगी आरजेडी के लिए, आपको नहीं लगता है? क्या चीज का? अगर नाराजगी लंबे समय तक रहती है तो दिक्कत होगी फिर। किसकी नाराजगी? नाराजगी जो दिख रही है। हम आपको ये कह दिए जी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो खत्म हो गई बात। ठीक है, तो सुना आपने, तेजस्वी यादव ने भी तेज प्रताप यादव की नाराजगी को लेकर खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना कह दिया कि मैं हूं और अध्यक्ष जी हैं तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार फिर से दिखाते हैं हम आपको तेज प्रताप यादव का ट्वीट कि उन्होंने क्या कुछ ट्वीट किया। मीडिया में बयान देने के साथ साथ उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया था प्रवासी सलाहकार से सलाह लेने में अध्यक्ष जी ये भूल गए हैं कि पार्टी संविधान से चलती है और राजद का संविधान कहता है कि बिना नोटिस दिए आप पार्टी के किसी पदाधिकारी को पदमुक्त नहीं कर सकते। आज जो हुआ वो राजद के संविधान के खिलाफ हुआ। अब इस पूरे प्रकरण पर जगदानंद सिंह ने संविधान का हवाला देते हुए साफ कर दिया है कि ये उनके अधिकार क्षेत्र में है। तेजस्वी यादव ने भी कह दिया है कि जब वो और जगदानंद सिंह हैं तो घबराने की बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब अगली प्रतिक्रिया तेज प्रताप यादव की क्या कुछ आती है, देखने वाली बात होगी और यह तकरार आगे चलती है या इसका सिलसिला थमता है यह भी आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।